ये देखिए किस तरह से आग रोड के किनारे लगा रखी है। अब आप समझिए कि जब यहाँ कोई प्लेन्स में देखने वाला नहीं है इस आग को, तो पहाड़ में जहाँ की आना जाना भी बड़ा मुश्किल है, वहाँ कैसे रोका जा सकता है। देखिए जहाँ ये आग लगी हुई है वहीं बगल में ये पुलिस चेक पोस्ट सहायता केंद्र सुभाष नगर कोतवाली का ये लगा हुआ है। देखिए लाल कुआं का ये आपका राधा स्वामी सत्संग ब्यास बिंदु खत्ता वाले जगह पे है। अब यहाँ आदमी कोई अगर बैठा हो तो ये आग को कोई रिपोर्टिंग करे तब जाके ये आग बुझे, नहीं तो अभी तो ये कम स्तर पे लगी हुई है, धीरे धीरे ये बढ़ती जाएगी। पूरा जंगल का क्षेत्र है अगल बगल, सब जगह ये आग फैल सकती है, बहुत ही खतरनाक माना जा सकता है इसको। देखिए आग जलती हुई, मैं देखिए आपको आग बिल्कुल पास से दिखा रहा हूँ, जलती हुई आग लाल कुआँ के पास के वन एरिया में देख सकते हैं आप, धुआं उठ रहा है बिल्कुल। ये हेवी लैंड बगल में और ये पुलिस चेक पोस्ट सहायता केंद्र कोतवाली लाल कुआँ का खाली है ये इस समय। आग धीरे धीरे सूखे पत्तों के सहारे पूरे आसपास के एरिया में फैल जाएगी, जो कि पूरा देखिए जंगल दिखाई दे रहा है। धुआं अभी उठने लगा है यहाँ पे, ये रोड है मेन रोड उत्तराखंड का गेटवे, बरेली नैनीताल अल्मोड़ा हाईवे लालकुआं से थोड़ा पहले। आग की हालत देख सकते हैं आप, धुआं बढ़ता हुआ आग धीरे धीरे, क्योंकि सूखा हुआ है सब गर्मी की वजह से, बहुत तेज़ धूप है आजकल, इसकी वजह से ये पूरा एरिया धधकने लगेगा, फिर इसको बुझाना मुश्किल होगा। जय बाबा नीम करोली।